ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, ख्याल बाहर जाण तो रोकिए, चित विरतियां नू एकागर करिए, रसना दी पवित्रताई दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी सतनाम। पातशाह जी दी अपार बख्शिश होई है, बहुत ही ए प्यारा स्थान जिथे विश्व गुरमत रूहानी मिशन दे बानी रतवाड़ा साहब वाले महापुरशां वल्लों ये जगह नियत कीती गई है
इस स्थान ते सत्संग होवे। जो गुरु पातशाह जी का फरमान है कि सारी होना चाहिए, क्योंकि वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। वड्या भागां दे नाल ये संगत साध संगत मिलती है। हुणे सुन रहे सी बाबा बलविंदर सिंह जी दस रहे सन के वड्या भागां दे नाल उह साधु मिले जिन्हां ने कृपा कीती, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक वैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। सतपुरश कदे ए नहीं हुंदा के खूह कोल जदों प्यासा नूं जाणा ही पैंदा, पर महापुरश इक प्यासे कोल आप चल के आउंदे हन। बाबा सतनाम सिंह जी का प्यार, इस अटवाल परिवार का प्यार, ते उधर गिल परिवार, सारे ये परिवार महापुरशां कोल जांदे ते बेनती कीती के इस धरती ते अपने मुबारक चरण पाओ। पहला बहराम अनाज मंडी दे विच जो इन्हां दी जन्म नगरी है बाबा सतनाम सिंह जी दी, उत्थे सत्संग कीते। फिर इत्थे 1998 दे विच मुबारक चरण पे सतपुरशां दे आउण तों ही पहलां इत्थे इक मंडल तैयार हो गया, सत्संग मंडल। उन्हां दी जो दिशा निर्देश दे अनुसार बाबा सतनाम सिंह जी ने अपनी जिंदगी दे विच तकरीबन 27 साल इस परिवार नूं निरंतर जारी रखिया। भावें कि उह शरीरक तौर दे उत्ते सानूं दर्शन नहीं हो रहे, पर उन्हां दी जिहड़ी बिंदी आंस है वो अज भी इस परिवार नूं अगे चला रही है। पियू दादे जवेहा पोत्रा परवान, अगे किन्ने प्यारे बच्चे, हरनूर कौर उन्हां दी पोत्री है, पोत्रे जयबीर सिंह जी, आसीस सिंह जी, किन्ना सोहना वाहिगुरु मंत्र दा उचारण सहज नाल जिवें सतपुरशां ने जुगत दरसाई कि अंदर नूं जांदे वाहे बाहर नूं आउंदे गुरु। यही असल च नानक लेखे एक गल, होर होमे चखणा चाख। ये देख लो बच्चे भी इस तरह नाल लग गए, राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रों पहलात जप्यो हर जैसे। 5 साल की उम्र च ध्रुव वर्गे पहलाद वर्गे आप जपदे होरनां नूं जपाउंदे। यही मुहारनी जदों पहलाद ने पढ़ाई, क्योंकि उस समय तां होर तरह नाल कहा जांदा सी कि हरनाकस दैंत सी, उन्हें कहना कि जलै हरनाकस थलै हरनाकस। पर पहलाद बचपन तो ही नारद मुनि जी दे आश्रम च जन्म होया, गुड़ती मिल गई, उत्थों ही फिर ये मुहारनी पढ़ाउणी शुरू कर दित्ती कि जलै हरी थलै हरी। इस तरह महाराज ने मिसाल दित्ती कि इन्हां बच्चियां वांगू जिवें धन्ने सेव्या बाल बुद्ध, क्योंकि उस समय इन्ने संस्कार नहीं बने हुंदे, जिहड़े वो संस्कार तां जन्म संस्कार तो जिहड़े मिलदे हन माता पिता तो अगे इस तरह दे नाल चलदे हन। ये संगत भी माता वांगू है। पुता माता की आसीस, निमख ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। 2001 31 अक्तूबर का वो दिन महापुरशां दा शरीरक विछोड़ा होया।
उस तो बाद उन्हां दे जीवन साथी साडे परम पूज्य सत्कार योग बीजी, जिथे उन्होंने पूरे 12 साल बाद 1 नवंबर अगला दिन ही एक खेड वरताई, शरीरक तौर दे उत्ते उन्होंने विछोड़े दिते हैं। ते 12 साल भी उही उसे तरह असीस बख्श दे रहे, पुता माता की असीस। सो ये प्रवाह चलता है। बाबा खुदास सिंह जी महाराज जदों शरीरक विछोड़े दे गए, फिर उन्हां दे जीवन साथी माता चंद कौर जी 14 साल उन्हां तो बाद उसे तरह जीवन दान बख्शिश करते रहे सन। सो ये जिहड़ी परंपरा चलती रहिंदी है, ते परिवार दे सारे मैंबर जिवें भाई अमरदीप सिंह जी शब्द सुना रहे सन, बीबी हरप्रीत कौर बचपन तो ही संगत मिली, ये बहुत ही प्यार दे नाल सारा ही परिवार जुड़िया है, होरना नू जोड़ रहा है। संध्या वेले रहराज साहब जी दे पाठ होए, बहुत ही सुभाग प्यारी ये जोड़ी है, बच्ची किरणदीप कौर ते भाई गुरदीप गुरवीर सिंह जी, किड्डी वड्डी बख्शिश है कि इस परिवार दे विच इक दो इक चढ़ंदियां बचपन तो ही लगे ने, ते इस तरह दे नाल अज ये उस परिवार नू चला रहे हन। सत्संग हुंदा ही एहे है, ते संत संग अंतर प्रभ डिठा के अंदर दी रिसर्च करिए। बाबा जी दे अंतम समय दे बोल हुण इत्थे आपां उहनां दी चौथी ए सलाना याद विच जुड़े सी। 23 फरवरी नूं जदों मनाई गई, गुरु पातशाह जी ने उही हुक्म बख्शिश कीता जो 4 साल पहलां बाबा जी दे पवित्र मुखारविंद तो वह अंतम बचन आए, ते सतगुरु जी ने उस दे उत्ते मोहर स्टैंप लाई है। उस दिन यही हुक्म आया कि नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नौ सोई जिन जाए, औरी कर्म न लेखे लाए। 7 दिन पिछले हफ्ता जिहड़ा लंघ गया, इत्थे ही सैन हो जे गुरु घर दे अंदर ये सत्संग दे अंदर आपां विचार कीती सी, ते अज जो इस साल दे सत्संग रखे गए सन, क्योंकि हुण अगे दा सफर शुरू होना है, उधर इंडियाना जाना, उस तो बाद फिर होर उहनां इलाकियां च हुंदे होए टोरंटो तो 12 जून दी वापसी है। सो ये समा लंघ जाता है, ठहर जाच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा। असल काम जो तुसी कर रहे हो करी चलो, यही नाल जाना है। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सतसंग जी नाल जानगे, नाल जानगे, संग नाल जाणगे।
सुन चल बिन भजन हर हर नाम कुमावना आई नाम तन इस तन नू कोई खो नहीं सकदा लुट नहीं सकदा बाकी ता ए उरे लुटे जह मात पिता सुत मीत ना पाई मन उहां नाम तेरे संग सहाई नाम दी ही महिमा ए सत्संग दे विच कीती जांदी है नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए ओ जड़ा नाम है उत्थो तक किवें पहुंचना आपां सारे सुनदे वी आ के नाम जपण वास्ते इसे तरह सेवा करन वास्ते शरीर मिलिया है पर किवें नाम जपना है ये साधुआं दी संगत च पता लगदा साधु संग सिखायो नाम इस नूं आत्म मार्ग कहा महापुरशां ने जो सारे संसार दे विच नाम बाणी दे प्रचार प्रसार वास्ते पहला इलैक्ट्रॉनिक मीडिये दी वरतों कीती इत्थे फिल्में ही आईयां सन कल इत्थे भाई महिंदर सिंह जी गिल ये वचन कर रहे सन कि किवें फिल्मां ने साडे जीवन बदल के रख दित्ते दूजियां फिल्मां तो बहुत चलदियां पर सतपुरशां ने रूहानियत भरपूर ये सैकड़ियां दी तादाद दे विच तकरीबन 1300 दे करीब फिल्मां बना दित्तियां 3-3 घंटे दियां ते मैगजीन च फिर बाद विच 1995 विसाखी परम पूज्य सत्कारयोग बी जी ने प्रिंट मीडिया दी शुरुआत कीती अपने हस्त कमलां तो विसाखी नूं ये शुरुआत होई हुण 28 साल आ दो दिन बाकी हन 14 अप्रैल दी विसाखी है 3 दिन तक 28 साल दा सफर पूरा कर रहा है लगातार चलदा है ते महापुरशां ने इस दा नाम ही क्योंकि जदों टाइटल लेना हुंदा है रजिस्टर्ड कराया जांदा है दिल्ली ऑफिस है उत्थे 10 नाम दित्ते जांदे हन जिहड़ा मैच ना दूसरे नाल करे फिर वो नाम दे दित्ता जांदा टाइटल महापुरशां ने पहले ही कहा कि आत्म मार्ग नाम रखना है कुदरती होर किसे नाल ये टाइटल मैच ना कीता ते ये मिल गया 10 चों ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि आत्मा दा मार्ग है असी बिछड़े हाँ जिथों बैक टू सोर्स उत्थे पहुँचना है उत्थे किवें पहुँचना है सारा प्रोसैस जो प्रोसीजर है अडोप्ट करना है वो आत्म मार्ग है नाम मार्ग है आत्मा परात्मा एको करे कि असी उस तक पहुँचना किवें है ये सारिया जुगतियां दसिया हैं ते इत्थे सत्संग दे विच प्रैक्टिकली वो कीता जांदा है प्रैक्टिकली नहीं ये मिलदा सत्संग संत बाबा लाभ सिंह जी महाराज सचखंड वासी जदों इत्थे आए पिछे बैठ जांदे सन रतवाड़ा साहब भी उन्होंने जोड़ियां च कोल बह जाना सत्संग सुनना इत्थे भी आए जदों तुहानू देखिया कि अमृत वेले सारे जोगियां वांगू श्वास ग्रास का अभ्यास कर रहे हैं
क्योंकि उन्होंने तो अवस्था ऐसी जिन्ना सास ग्रास न विसरे हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। वो कहते पहले समय च असी सुनिया सी कि ये सत्संग इस तरह पुरातन गुरसिख संगतां करदियां सन, तारिया दी छावें इकट्ठे होना, जिमें सुख राजे हरिचंद कर नार सतारा लोचन राणी, साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। राजा तो सुता रहिंदा सी ते ए राणी सत्संग विच पहुंच जांदी सी। सत्संग दा ही प्रताप, जोड़ी जुड़ी खड़ा पुराणी, एडीए बख्शिश है हुंदी है कि कोई भी कुछ भी मांग लवे, पर इत्थे आके तां क्योंकि जो भी तुसी देखदे हो बाबा जी दे बचन अज भी गूंजदे हन, जो बेकर्सफील्ड उन्होंने कीते सन ऑन रिकॉर्ड हन कि प्यारे देखियो सुख सत्संग दे विच जद असी नाम च स्थित होंने उदों मिलता है। बाकी तो कहिंदे नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है। संसार विच ये अमरीका भी आ गया, उन्हां दा तजर्बा सी ते अपने तजर्बे ते आधार दे उत्ते बोल दे। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख है आखी। उस तरह दे नाल कहिंदे इस प्यारियो कदों पता है, कदों ऐ चुक के ऐ सुट देना, समय दा कोई पता नहीं, समा नाम काल दा है। इस करके इस दा लाहा लो प्राणी, तू आया लाहा लैण, लगा कित क फकड़े सब मुकदी चली रैण। जिन्हां ने लाहा लिया गुरमुख जन्म सवार, दरगे चलिया सच्ची दरगे जाए सच्चा पिड़ मल्लिया। बाबा मान सिंह जी भी इत्थे आए, किन्नियां नूं उन्हां ने अमृत छकाया। अमृत छकाउणा एक प्रोसैस है कि उहदे विच गुरु मंत्र मिलता है, मूल मंत्र मिलता है, नाम तो अंदरों मिलता, कोई बाहरों देंदा नहीं। ते उन्होंने भी देख लो कैसी खेड बरताई, सारी उन्हों की उम्र तकरीबन अजे 70 साल की पूरी नहीं सी हुई, मई महीने च होनी सी, महीना क पहले ही 1 महीना घट 70 साल की उम्र विच खेड बरता दिती। ते अज उन्हां दा जल प्रवाह उस पवित्र पावन स्थान भंबोर साहिब विखे होण जा रहा है, जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने चौपाई साहब उचारण कीती ते उत्थे ये बचन कीता। क्योंकि समा लंघदा जांदा है ते अरदास ही हुंदी है, नानक हुक्म ना चली नाल खसम चले अरदास। जिंदगी शरीर दा अंतम सफर उथे महापुरश राड़ा साहब वाले, हरखोवाल वाले, होर इस संपर्दा दे पूर्वज महापुरश उन्हां दे उथे जल प्रवाह हुंदे हन। ते इस तरह दे नाल उत्थे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बचन आए कि साड़ी तो अरदास है कि जिहड़े परिवार हन सारे, क्योंकि सारा ही संसार उन्हां दा अपना परिवार है, जे को मेरा जे जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए। ते उहदे विच सारे ही आ गए, सारा संसार सरबत दा भला। ते उत्थे फिर ये बचन आए, सुखी बसे मोरो परवारा, सुखी बसे ही बसे मोरो परवारा, सुखी बसे सुखी बसे मोरो परवारा।
सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा। इस तरह दे नाल ये अरदास ही इत्थे ही हुंदी है कि जे ये सारे जिन्ने भी परिवार हन ये सुखी वसन, आउण वाला जिहड़ा समय सुख शांति खुशियां भरपूर आवे। हुण इह शब्द बच्ची हरप्रीत सरवण करा रही सी, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। इस सत्संग गुरु दरबार दे विच जो भी इस मंडल च आ जांदा है उस नूं खुशियां ही खुशियां मिलदियां हन। वो खुशी ए नहीं कि छिन भंगर दी है, नानक भगतां सदा विगास, सदा दी खुशी। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। परम पूजय सत्कार योग बीजी पूरे वजद च आके संगतां नूं इस तरह नाल पढ़ाया कर दे। सतगुर दे दरबार खुशियां नित नवियां, गुरु दे दरबार एक हार नाम दे प्रैक्टिकली इस स्थान ते सत्संग हुंदा है, क्योंकि उच्ची अवस्था दे जगयासु आउंदे हन। किन्ना लंबा समा लगातार सालां दे साल लंघ चुके हन। कोई 28-30 साल का समा इस सत्संग मंडल कायम होया हो चलिया है। ते इत्थे एडवांस स्टेज ते जगयासु पहुँचते हैं। महापुरशां ने गिणतियां नहीं रखियां सन, पहले ही ये कहा कि ये नहीं देखना कि किन्ने हन, चाहे पांच चार ही होण, ये करना ही करना, छड्डना नहीं। तो फिर नियत भी इत्थे कर दिता कि बहुता इन्ना भी नहीं करना कि खाण पीण दा होवे, सिंपल सधारण जा रखना है। सत्संग करके अतरंग साधन करना, उहदे विच सारा दस्या कि किवें करना, जुगत समझाई। अंदर नूं जांदे वाहे, बाहर नूं आउंदे गुरु, पहलियां च बोल के करदे आ, फिर अगलियां क्लासां दे विच बैखरी तो मध्यमा चंद्र हुंदा, फिर हिरदे च हुंदा, फिर परावाणी स्वास ते आ जांदा है।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੱਤਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਓ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਪਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੈ। ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਸੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ ਸਬਕ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ਹੈ ਚਿੰਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁੱਖ ਧੂੜ, ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਓ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ
हम प्रभ पाया श्री
ग्रंथ साहिब जी तन ठाकुर तुम